प्यारे दोस्तों, भारत के महान नागरिक बेटी और बेटों, भाइयों और बहनों, ये देश हमारा है। ये देश प्राचीन भारत है जहां सबसे ज्ञानी लोग हुए, चाणक्य हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, भीष्म हुए, अर्जुन हुए, एक से एक महान दार्शनिक हुए, सोचने वाले हुए। उनकी भूमि को फिर से प्राचीन भारत की गौरव गरिमा देने का उत्तरदायित्व हम सबों का है। आइए मेरे साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो वेदों से आया है और जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संकल्प में रखा है और इसकी सिद्धि के लिए दिन रात अद्भुत प्रयास करते रहते हैं। ये सच्ची देशभक्ति है, ये सच्ची देश सेवा है। दुर्भाग्य है कि इस तरह के त्याग, कुर्बानी, बलिदान देने वाले बहुत कम लोग धरती पर पैदा लेते हैं। दुष्टों की संख्या बहुत होती है। अज्ञानता के अंधकोर घनघोर घटा में भटकने वाले जीव जंतु पशुओं की तरह काम क्रोध मद लोभ मोह में लिप्त व्यक्ति असंख्य होते हैं, लेकिन साधु महापुरुष विरले पैदा लेते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही महान व्यक्ति, देश की सेवा के लिए, देश की गौरव गाथा गाने के लिए, देशवासियों के लिए सब कुर्बानी देने को तैयार है। और जितने भी हिंदुस्तान के महान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसी के बहकावे में मत आइए। आप देश के विकास के लिए खुद सोचिए क्या करना चाहिए। हमारी कमजोरी, हम लोगों में आपसी फूट, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमारे देश को बहुत कमजोर किया। इसीलिए हम 1200 वर्षों तक गुलाम रहे, एक से एक दुराचारी दुष्ट आते रहे, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति सबका समाप्त कर दिया और हिंदुस्तानियों ने गुलामी को बड़े ही अदब और आदर के साथ जंजीर की तरह अपने गर्दन में डाल दिए। अंग्रेजों के चमचे बने, मुगलों के चमचे बने। मानसिंह को कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का सेना अध्यक्ष बन के महाराणा प्रताप को हल्दी की घाटी मारा था। आप ये भी जानते हो कि भारत के जो अंत के सबसे महान हिंदू राजा थे, पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाला, महमूद गोरी के हत्या करवाने वाला उनका भाई जयचंद था। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को मैं संक्षिप्त बताना चाहता हूं। अगर हम सचमुच बहुत ईमानदार हैं, तो हमें अपनी ईमानदारी पर विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि सीहन के नहीं लहरे, हंसन की नहीं पांत, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चलत जमात। महान पुरुष कभी कभी पैदा होते हैं, युग पुरुष जिसे बोलते हैं, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वल्लभ भाई पटेल, मंगल पांडे, झांसी की रानी, ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमारे देश में। और हमारा सौभाग्य है योगी वीरेंद्र योगी का कि आधुनिक भारत में ऐसे बहुत लोगों की संख्या बढ़ गई है। और उसका जो शुरुआत हुआ वो आरएसएस के द्वारा हुआ, क्योंकि आरएसएस में देशभक्ति राष्ट्रवाद की बात बताई जाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वेदों से आया है, जिसको हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है लोगों को। वीर सावरकर जैसे महान पुरुष में बहुत सारे लोग हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और महान पुरुष हुए दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब मेरे सहोदर हैं। डीएनए हमारा उनसे मिलता है। इसीलिए मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृष्ण ने भी कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाम च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय अहम् अभवामि जुहेति। प्रिय मोदी जी, मेरे माननीय और द्वितीय भारत के गौरव गाथा लिखने वाले महापुरुष, युग पुरुष, मुझे अपना दोस्त समझिए। मेरी उपलब्धियां कुछ नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं बार बार मिलता रहा, जब भी मौका लगा,
सरदार पटेल हमारी प्रेरणा के स्रोत रहे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस हमारे शरीर के रग रग में, नस नस में, खून खून में बढ़ते हैं। तो आप रुद्र रूप ले लीजिए। महादेव जहर पिया करते थे, इसीलिए नीलकंठ बोलते हैं, लेकिन त्रिनेत्र भी था, जिसको अगर प्रयोग किया जाए तो सर्वनाश हो जाता है। जब हमें सर्वनाश करनी है तो कृष्ण की लीला करना पड़ेगा, कौरवों का विनाश करना पड़ेगा, राम की तरह श्री लंका का विनाश करना पड़ेगा, रावण का, कंस का, शिशुपाल का। मोदी जी पब्लिक क्या बोलेगी इसकी फिक्र मत करो, ओपिनियन के पीछे मत जाओ, देश धर्म है। वाजपेयी जी भी आपको बताए थे राजधर्म है, राजधर्म है जनता की सुरक्षा, जनता के लिए जीना, जनता के लिए मरना, जनता के द्वारा हम प्रजातंत्र पाए। लेकिन हमारे देश में ये प्रजातंत्र असफल रहेगा, क्योंकि यहाँ लोभी, लालची, क्रोधी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, दुराचारी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारे देश को बार बार तोड़ते रहेंगे। उनमें त्याग की भावना नहीं है, कुर्बानी की भावना नहीं है, उनमें है स्वार्थ। आपने बहुतों को जेल के दरवाजे पर खड़ा किया और बहुतों को जेल के अंदर डाल दिया, फिर निकल गए। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं, सख्त से सख्त कदम उठाइए, इन गद्दारों को भय हो। ये हमारे युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको भड़का रहे, क्योंकि राजनीति में तो आपसे ये फेल हो चुके हैं, क्योंकि आपका है अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, बुद्ध और विवेक के रास्ते पर हम लोग चलते हैं, शांति का पैगाम फैलाते हैं। लेकिन एक गद्दार का एक ही शांति है, सबका विनाश हो, मेरा, मेरे परिवार का कल्याण। जो हिजरे आज तक कुछ किए नहीं, वो भी जवान पर लगाम नहीं लगाते और मोदी जी के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं, और जाके वो गद्दार हमारे यूनिवर्सिटी में जाके मासूम बच्चों को भड़का देते। भाई मोदी, नरेंद्र भाई, मैं वीरेंद्र हूं, आप नरेंद्र हैं, दोनों एक ही हैं। हमको ये तीन सेना क्यों है? सेना क्यों है हमारे पास? डिफेंस फोर्सेस जिसे बोलते हैं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये हमारी शक्ति का प्रयोग है। ये शक्ति केवल हम विदेशी दुश्मनों से अपने आप को आजाद करने के लिए और सुरक्षा के लिए नहीं रखे हैं भाई। अगर देश में ही दुश्मन इतना खतरनाक रूप ले ले, हमारे देश में और अराजकता फैलाए, हमारे देश की संपदा को, अग्नि को आहुति करे, हमारे युवकों को भड़काए, तो फिर हम किस लिए? याद करिए कृष्ण की बात, यदा यदा ही भाई, विनाश करना पड़ेगा इन दुष्टों को, इनमें भय पैदा करना पड़ेगा। प्रकृति का भी नियम यही है, प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। आप तो बहुत भगवान में विश्वास करते हो, परम माननीय नरेंद्र मोदी भाई, मैं तो एक साइंटिस्ट हूं भाई, मैं तो डार्विन थ्योरी में विश्वास करता हूं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम फिट रहेंगे तभी हम सर्वाइव करेंगे, लेकिन छाती ठोक के बोलना पड़ेगा, मुझसे अच्छा देशभक्त कोई नहीं है, मैं भगत सिंह हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, मैं झांसी की रानी हूं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एक एक खून का कतरा बहा देंगे, लेकिन देश के लिए, देश की बेटी और बेटों के लिए, बहनों भाइयों के लिए जिएंगे और मरेंगे। ये महान दृश्य है, चल रहा महापुरुष नरेंद्र मोदी है, लथपथ 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 अग्निपथ। मोदी भाई, हम योगी अग्निपथ पर चल रहे हैं, देश के लिए, देशवासियों के लिए जी रहे हैं, मेरा आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अरे स्वार्थ है तो हमारी जनता की रक्षा, हमारे जनता के विकास, इन गद्दारों से बचाना आपका फर्ज है। अगर आपको इतना टाइम हो तो इस फकीर की बात सोच लो, अगर मैं सत्ता में होता आपकी तरह तो मैं किसी का फिक्र नहीं करता। हमें फिक्र होती तो जो धर्म पर चलने वाले हिंदुस्तानी हैं,
धर्म का मतलब है नेचुरल लॉ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। राजनीति नहीं करना है जाति के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर। मेरा धर्म है मानव धर्म, सनातन धर्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहम् निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानाम् वसुधैव कुटुम्बकम्। ये सनातन धर्म है, ये पूरी ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है, ये सारी आत्माएं मेरी आत्मा के प्रतिबिंब है। इसीलिए जो इनको तोड़ने की कोशिश करती है, योगी जोड़ता है, मैं जोड़ता हूँ, तो तोड़ने वालों को तुरंत मरद दीजिए, मसल दीजिए भाई। ये इतना खतरनाक हो जाएंगे कि हमारे बस में नहीं आएंगे। अरे साहब, 370-35 हटाना असंभव था, आपने कर दिया। राम मंदिर का समस्या समाधान कर दिया, तलाक 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 को आपने खत्म कर दिया, सीएबी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को आपने पास करा दिया। ये है मन इच्छा शक्ति, कमिटमेंट देश की सुरक्षा के हित में, देश हित में, जो देश सर्वहित संपन्न हो, प्रथम राष्ट्र स्वार्थ नहीं, कुछ करिए, विनती करता हूं। और मेरी आवश्यकता हो कि सेवक आपकी छाया की तरह, परछाई की तरह आपके साथ चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा शासन देंगे कि यहाँ के लोग कानून कायदे को तोड़ना चाहेंगे तो इनकी मुंह उतर जाएगी, कांपेंगे, थर थर कांपेंगे, क्योंकि इनके जो सांस चलती है ना, कुछ ही क्षण के लिए चलेंगे, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। घर में घुस के मारेंगे आतंकवादियों को, और घर के शत्रु है उनका भी विनाश करेंगे। अंत में फिर गीता का श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पितॄणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थाप्याय अहं भवामि योगी। मेरा धर्म न हिंदू धर्म से है, न मुसलमान धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, न बुद्ध से है, न जैन से है, न क्रिश्चियन से है। मानव धर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही परम धर्म है, यही हमारा संविधान है, यही हमारे जीवन का सुर और ताल है।